हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा राखी बेल का प्लांट है फ्रेंड्स। तो मैंने इसे इसी बार लगाया है फ्रेंड्स। देखें, मैंने इसे 10 इंच के पॉट में मैं इसका जो लगाया था उसका मैंने वीडियो डाला था फ्रेंड्स। तो ये रेड राखी बेल है और कल भी एक फ्लावर खिला था लेकिन मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी एक एक फ्लावर रोज खिल रहा है फ्रेंड्स। आज भी एक खिला है और कल भी ये कली जो है ये तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और बहुत सारे भी यहाँ कली दिए हुए हैं। तो देखें, ये राखी बेल है फ्रेंड्स और ये रेड कलर का है। और एक मेरे पास मैरून है जिसका मैं वीडियो डाली हुई थी। देखें, इसे भी मैंने अभी 8 इंच के पॉट में ही लगाया है फ्रेंड्स। तो इसके जो पत्ते होते हैं जो ब्लू वाले होते हैं, ये देखिए, ये रेड कलर के होते हैं। लगेगा कि आपको ये रेड प्लांट है, ये रेड राखी बेल है, लेकिन ये ब्लू है। और इसके जो होते हैं ये देखें, हरे रंग के होते हैं। तो इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा प्लांट है। जब तक नहीं खिले तब तक लेने में मैं कई बार धोखा खा चुकी हूँ फ्रेंड्स। जैसे मुझे ये रेड कह कर दिया था पहले, ये तो मेरा बड़ा है, देखें ये बहुत बड़ा हो गया है, तो ये ब्लू निकल गया फ्रेंड्स। और इसे तो रेड ही कह के दिया था। तो ये कोई कोई नर्सरी वाले सही बताते हैं, कोई कोई नर्सरी वाले गलत बता देते हैं फ्रेंड्स। तो देखें, ये बहुत खूबसूरत है, आप लोग भी लगाएं ये रेड राखी बेल, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी छोटा ही पेड़ है, जब बड़ा होगा तो और अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग भी लगाएं और मिट्टी वही गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क और जो मिट्टी होता है वही मिला करके मैं लगाती हूँ। और इसमें मैंने चाय पत्ती जो घर में यूज होता है ऊपर से डालते जाती हूँ सारे प्लांट्स में, जैसे जैसे होता है एक एक करके डालते जाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी लगाएं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत शुभ पौधा है फ्रेंड्स। कृष्ण कमल इसे कहते हैं, राखी बेल कहें या कृष्ण कमल कहें, तो इसे लगाना बहुत शुभ होता है घर में फ्रेंड्स। तो आप लोग भी लगाएं। ये व्हाइट कलर में भी आते हैं, मेरे पास व्हाइट कलर थे लेकिन अब सूख चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे नहीं उखाड़ा है, ये मेरा व्हाइट था 2 साल से था। पता नहीं इस बार इसमें लगता है पानी सीलन हो गया है, पानी लग गया है शायद, तो इससे इसके रूट सूख गए हैं फ्रेंड्स, ये नहीं लगेंगे। तो आप लोग इसे क्या करें कि ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत शुभ होता है। तो मिट्टी तो मैंने बता ही दिया है और खाद वही आप बर्मी कंपोस्ट वगैरह ऑर्गेनिक ही डालें। तो ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।